बच्चों आज अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई सर पदार्थ है, अभिकारक है, आपस में क्रिया करेंगे और एक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस यूनिट के अंतर्गत हम प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें से एक दो परिभाषाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो टॉपिक अपना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी पाई जाती है, तो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया चलेगा क्रिया। देखिए क्या होती है, कैसे है, कल पिछले बार पढ़ा देता हूँ, कोशिक रासायनिक अभिक्रिया होती है, कल अपन ने पढ़ा था, उसको दो भागों में बांटा जाता है, अभिकारक और उत्पाद। तीन के इधर बाएं तरफ अभिकारक होंगे, यहाँ पर अभिकारक होंगे और इधर क्या होंगे, आपके उत्पाद होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक पर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया जाएगा। पहले परिभाषा दिमाग होनी चाहिए कि संयुग्मन का मतलब जुड़ना, योगसूत्र का मतलब जुड़ना, योगात्मक का मतलब जुड़ना, क्या जुड़ेंगे, अभिकारक, और जोकर किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझो, जैसे कोयले का दह, कोयले का दहन का सामान्य अर्थ होता है जलना, अर्थात जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है, तो देखो कोयले का मतलब कार्बन प्लस ओ टू ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, सीओ टू का निर्माण। तो ये तो क्या होंगे आपके अधिकार, ठीक है। तो देखिए दो अधिकारक है, आपस में मिलकर उत्पाद क्या बनाया, सीओ, दो अभिक्रिया क्या हुई आपके, कि दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे योगशील योगात्मक या सहयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम हो जाएगी प्लस दहन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये निर्माण होगा आपके एनजीओ, मैग्नीशियम
ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेमीकोलन को संतुलित करेंगे, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर कितना है एक, यहां पर क्या लगा दो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी कितने हो गए दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया दो अभिकार है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एक अलग बात किसका निर्माण करा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल है इसका एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण ये भी एक यौगिक के द्रव्यमान अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो एथीन का सूत्र क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध पाए जाएंगे, ऐसे ही नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत नामकरण के अंतर्गत आता है जो अपन नेक्स्ट 8 यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपसे ध्यान रखो एथीन क्या होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन जब इसका हाइड्रोजनीकरण होगा, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसके प्रक्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन का इस पर क्या कराया जाता है योग करवाया जाता है, और इसकी उपस्थिति में निकल उत्पेरक की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में निकल उत्पेरक की उपस्थिति में। कई बार लोग छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण किस उत्पेरक की उपस्थिति में होता है, उत्पेरक हमेशा तीन के निशान के ऊपर आते हैं, तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण निकल उत्पेरक की उपस्थिति में होता है। तो हाइड्रोजनीकरण होगा जब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से कर लेंगे तो बदल जाएंगे, तो देखो जब CH2 एक हाइड्रोजन में क्या हो गया CH3, इधर दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से जुड़े तो क्या होगा CH3, दो हाइड्रोजन के रूप में दो के रूप में क्या होगा तीन, तीन द्विबंध क्या हो जाएगा अब जाएगा एकल बंध आ जाएगा, और फिर बाद में संयोजकता कितनी होती है चार, एक और तीन चार, एक और तीन चार, अब इसका नाम क्या हो गया एथीन, इसका नाम क्या हो गया एथीन। तो देखो एग्जाम में मेन बात यह आनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, एक तो पूछने का तरीका यह है कि डायरेक्ट आपसे कहकर सही तो नहीं होगा, आपको कभी क्रिया को उदाहरण सही तो समझाइए, तो आपको परिभाषा रखनी है एक भी एग्जाम्पल लिखो। दूसरा तरीका आपसे किस प्रकार से पूछ सकेगा कि आपको अभिक्रिया लिख कर दे देगा, और अभिक्रिया लिखने के बाद में आपसे कहेगा कि इन अभिक्रिया को पहचानिए, तो आपको परिभाषा दिमाग में आनी चाहिए कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो अधिकार है या आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का क्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले अभिक्रिया हो जाती है योगात्मक या योग से अभिक्रिया। नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया पर पढ़ेंगे, विस्थापन विस्थापन भी देखो नाम से पता चलता है विस्थापन, विस्थापन का मतलब विस्थापित करना, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के परमाणु को दूसरे अभिकारक का परमाणु विस्थापित यानी हटा देता है। दोबारा सुनो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्ता का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जब इसकी अभिक्रिया जिंक ZnS से जल अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होगा, ये जिंक है ये इस CU को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है, जिंक क्या करेगा CU को प्रतिस्थापित कर देता है, तो ये उत्पाद क्या बनेगा आपके ZnSO4 प्लस CU क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये ZN प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि ZN की अभिक्रिया सीमा क्या होती है ज़्यादा होती है, अभिक्रियाशीलता जिसकी ज्यादा होती है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट में नीला होता है,
यदि इसका घोल बनाया जाता है पानी में घोलकर तो उसका नीला मिलन होता है। जब इसमें दानेदार चीनी के टुकड़े डालते हैं तो धीरे धीरे ये नीला रंग क्या होता है गायब हो जाता है। उसका कारण क्या है गायब होने का, ये जैडन है ये शिव को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है। इसी तरह क्या बोला जाता है जैडन संपूर्ण बन जाता है जिसके कारण नीला रंग क्या होता है गायब हो जाता है। अगर आपसे फोन में क्वेश्चन पूछ ले कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब इसलिए हो जाता है कि जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाई जाती है तो जिंक सीयू धातु को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है और जैडन संपूर्ण का निर्माण होता है जिसके कारण विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। तो दूसरी अभिक्रिया हुई विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभी नाम से पता चल रहा है जी का मतलब कितने दो अर्थात इसमें दो परमाणु या अणु क्या होते हैं विस्थापित होते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दो परमाणु आपस में विस्थापित होते हैं वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे देखो एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल है लीजिए प्लस एनिस इसके अंतर्गत क्या होगा देखिए AgNO3 या NaCl इसमें परस्पर स्थापित होगा इसमें आप यह कह सकते हैं कि परस्पर अभिकारकों के जो परमाणु हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं अर्थात स्थापित कर लेते हैं। और सुन लो इसमें अभिकारकों के जो परमाणु हैं वो आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं या विस्थापित हो जाते हैं। कैसे ये सीएल को मापा जाएगा इधर और ये एनओ भी मापा जाएगा ठीक है एनए के पास में। तो ये क्या बना देंगे एजी के पास में क्या है सीएल ये क्या होगा एजीसीएल प्लस एनए एनओ एनए एनओ दोबारा सुन लो। तो इसमें देखो ये अभिकारकों के जो मूलक है ये सीएल मांगा है एजी के पास में इसको प्रतिस्थापित कर दिया परस्पर आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा में आपको ध्यान रखना है आपसे इस प्रकार से अभिक्रिया लेकर दे देंगे ये अभिक्रिया कौन सी है पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो रहा है एक उदाहरण हो रहा है जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया एनएएच से कराई जाती है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया एनएएच के साथ करवाई जाती है ठीक है। अब देखो इसमें ये SO4 मूलक और इसमें OH मूलक ये अपना स्थान क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे OH को कहाँ जाएगा इधर और SO4 को कहाँ जाएगा ठीक। तो देखिए CU OH तो इस कॉपर की संयोजकता दो होती है तो जाएगा आपके CU OH का हाइड्रोलाइज प्लस NH के पास में क्या आएगा SO4 SO4 की संयोजकता दो होती है तो ये हो जाएगा आपके NH2SO4 सोडियम सल्फर ठीक है। अब इसके अंतर्गत इस समीकरण को अगर आप संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए दो और यहाँ पर हाइड्रोजन एक है तो कितने लगाएंगे दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो सोडियम कितने हो गए दो सोडियम कितने हो गए ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट के विलयन में एनएच डाला जाता है तो ये जो परस्पर मूलक है ये जो मूलक है ये परस्पर क्या करते हैं आदान प्रदान हुआ और कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का क्या होता है निर्माण होता है। तो एक बार दोबारा रिवाइज जो पहले अभिक्रिया अपन ने संयुग्मन अभिक्रिया पढ़ी है योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों
दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया योगशील संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया पढ़ने पड़ी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला परमाणु कम अभिक्रियाशील वाले परमाणु को विस्थापित कर देता है, अर्थात अभिकारकों में से अधिक अभिक्रियाशील वाला परमाणु कम अभिक्रियाशील वाले परमाणु को विस्थापित कर देता है। तीसरी पढ़े पड़े थे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान होता है, नहीं है परस्पर आदान प्रदान होता है, अर्थात परस्पर प्रतिस्थापित होते हैं, वह अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इनके एग्जाम्पल उदाहरण है, ये आपके बोलरेक्ट है कई बार अभिक्रिया कर दीजिएगा, पूछेगा आपसे कि उक्त अभिक्रिया का नाम बताइए, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, अभिक्रिया आपसे पूछ लेगा कि द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज बच्चों हमने आपको तीन अभिक्रियाएं पढ़ाई हैं, इन तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ना, दैट्स ऑल।